केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं। किसी भी चुनाव में जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जनता ही अपने लिए सही सदस्य को चुनाव करती है और जनता जानती है कि उनको किस प्रकार की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता की टीम इस वक्त बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के विभिन्न इलाकों में जनता और उम्मीदवार दोनों से ही बातचीत कर रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता विभूति सिंह पूर्णिया जिला के श्रीनगर के सिंघिया पंचायत में है, जहां पर वहां की जनता से बातचीत वो कर रहे हैं। जनता भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं कि किस प्रकार के सदस्य को अपने पंचायत में चाहते हैं। साथ में उनकी बातचीत हुई है वहां के भावी मुख्य प्रत्याशी कमाल किशोर मेहता से। तो आइए इन सभी से बातचीत कर जानते हैं कि इन सबका क्या कह रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिला से लगभग 30 किलोमीटर दूर। हम सिंघिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 के बॉर्डर पर खड़े हैं। एक तरफ कोसी है, कोसी नदी के उस पार लगभग कितना वार्ड है? 2 वार्ड इधर है, बाकी पूरे सिंघिया पंचायत में 12 वार्ड है। 12 वार्ड में कोसी टप के, कोसी के इस पार 2 वार्ड है, जो सभी सुविधाओं से वंचित ये 2 वार्ड वीरान सा है, मरुभूमि के तरह है। सड़क की व्यवस्था नहीं है। जो 65 साल उम्र हो गया बाबा आपका, 65 साल उम्र हो गया, इसको वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। उधर एक बोर्ड दिखाइएगा कैमरामैन जी, बबली कुमारी उर्मिला देवी, लगता आंगनबाड़ी का बोर्ड है ना। ये स्थिति, ये जर्जर स्थिति 2 वार्ड का है, जहाँ एक मुखिया प्रत्याशी कमल किशोर मेहता हमारे सामने खड़े हैं। ये मुखिया के दावेदार हैं। और इससे पहले आप आ जाइए आगे से, इससे पहले भी मुखिया जी थे, उन्होंने क्या क्या विकास किया उनसे भी हम मिलेंगे। अभी हम हैं वार्ड नंबर 2 में सिंघिया पंचायत में। और कमल किशोर मेहता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम? कमल, श्री कमल किशोर मेहता। कमल किशोर मेहता जी, आप तो काफ़ी बैकवर्ड फैमिली से हैं, मतलब गरीबी से आपका, यानी आप मजदूरी भी करते थे हमें पता है पहले से। अभी जो ये पंचायत की जो राजनीति है, इसमें मुखिया बनने का सपना कैसे आया आपको? जितना ही हमारे रोड रास्ता हर चीज़ का कमी होने के कारण हम इस पे पहले भी आप चुनाव लड़े थे कभी? हाँ, लड़े हैं एक बार मुखिया पद के लिए ही। उस बार भी मेरा माला छाप आया था। हाँ। इस बार भी मेरा माला छाप है, तो लकी है माला छाप। कितना वोट लाए थे आप अगले बार? उस बार जनता लोग के हिसाब में 40 ही मिला था हमको। हाँ। मात्र 40। जनता इसका मतलब चाह नहीं रहा था? नहीं चाह रहा था। इस बार फिर आप झोंक दिए हैं? इस बार झोंक दिए हैं, अब जनता का आगे खड़ा है। जो भी करना चाह रहे हैं समाज के लिए, जो भी आएगा वो सभी जनता के सामने। आप चूंकि मजदूरी करते थे। हाँ। और आपने गरीबी को झेला है, गरीबी को झेला है। आपके वार्ड 2 और 3 में क्या स्थिति है लोगों का? ये बुरा हाल है, बुरा आग बबूला है। बबूला तो वृद्धा पेंशन मिला है, ना इंदिरा आवास मिला। आप अगर आप जीतते हैं, अभी आप जनता के समक्ष पूरे देश और दुनिया का लोग आपको लाइव अभी देख रहा है, आपकी अगर जीत होती है तो हम, आप क्या कीजिएगा? पूरा जोर लगा के जितना 5 काम बताइए आपने वार्ड नंबर 2 और 3 में क्या कीजिएगा, या पूरे पंचायत में क्या करना चाहते हैं? पूरा रोड कंप्लीट करना है, जो भी इंदिरा आवास हो, जो भी योजना आएगा सभी जनता के सामने रखेंगे, और इस चीज को करने का हमारा जिज्ञासा है। पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? नहीं है। पंचायत सरकार भवन के लिए आप चिट्ठी लिखिएगा आगे? लिखेंगे। और किस वार्ड में लाइएगा पंचायत सरकार भवन? 2 वार्ड में। 2 और 3 में? 2-3 के बीच, यानी कोसी के इस पार आप विकास करेंगे? करें। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।